जय श्री राम दोस्तों, अभी हम दर्शन वगैरह करके रेडी हो गए हैं। क्या हाँ बोलो भैया, कोमा में है ना? वो जो कोमा में है। जय श्री राम, जय जय दोस्तों। अभी हम हनुमानगढ़ी मंदिर है, देख सकते हैं। अभी हम दर्शन कर चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा क्राउड है। ये देखिए पूरा जो क्राउड है, ये देख सकते हैं पूरा, ये हनुमानगढ़ी मंदिर है और इतना ज़्यादा क्राउड है यहाँ, बहुत ज़्यादा भीड़ है। ये देखिए ये जो बना हुआ है, ये पूरा जो बना हुआ है आपका, देख सकते हैं यहाँ पर राम सीता भजन भी गा रहे हैं और शेषनांग वे साया बैठाए हुए हैं। ये वो बहुत सारी मूर्तियाँ लगी हुई है, भीड़ इतना ज़्यादा है। तो आपको हम दर्शन करने का, ये देखिए थोड़ा सा जूमिंग करके दर्शन कराते हैं। जो हनुमान जी हैं ये देखिए, अंदर थोड़ा फट रहा है बट कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा दर्शन कर लीजिए। आवाज़ हमारा उतना अच्छे से नहीं आ पा रहा है क्योंकि जय श्री राम का नारा लगाते हुए आवाज़ कम गया। यहाँ पर भी एक बापू रहते हैं और उनसे मिलेंगे, बापू से क्या होता है। बहुत ज़्यादा भीड़ है, देख सकते हैं ये पूरा जो मंदिर है, यहाँ हनुमान जी का दर्शन। जय श्री राम, 6 मेगापिक्सल यहाँ बनाए। जय जय जय, बहुत ज़्यादा भीड़ है ये देखिए पूरा। जय श्री राम दोस्तों, अभी हम ये देखिए हमारा राम मंदिर है और राम मंदिर जो बन रही है उस साइड दिख रही है आपको, थोड़ा सा उधर ऐसे उस साइड बन रही है, वहाँ अलाउड नहीं है। हम अभी आए हुए हैं और ये हमारे भाई साहब हैं B3G ब्लॉग वाले हैं भैया, और ये जमशेदपुर पलामू से हैं, झारखंड से। तो चलिए हम अंदर दिखाते हैं और श्री राम जी का जो धनुष है यहाँ लगा हुआ है, देख सकते हैं धनुष, और अंदर आपको थोड़ा सा दिखाते हैं। चलो राम जी दर्शन थोड़ा सा अंदर भी कर लीजिए अब। और ये राम जी जा रहे हैं साथ में, सोज वगैरह यहाँ उतारें, कृपया जूता चप्पल इसके बाद ही पधारें। तो हम लोग चल रहे हैं और एक भाई उधर फ्रेश होने जा रहा है, देखिए उधर वो जो बन रहा है थोड़ा राम मंदिर है। चलिए ये बहुत ही बेहतरीन बना हुआ है, देख सकते हैं यहाँ थोड़ा अंधेरा है, हम थोड़ा लाइट बढ़ा दें इसकी और अच्छा दिखेगा। ये देखिए यहाँ ये राम मामा राम मंदिर है, यहाँ के कुछ भव्य दर्शन आप लोग को कराते हैं। देखिए बना हुआ है इस तरह का पूरा, था लाइट ज़्यादा आ जाता है क्योंकि। जय श्री राम दोस्तों, अभी हम रात में पहुँच चुके हैं, ये कर सेवा पूरा आश्रम है। देखिए यहाँ अंदर बहुत सारे साधु संत लोग आते हैं, हम लोग यहीं सब आए हैं। देखिए लोग भी हैं, बीके भी है और सोनी भी आज साथ में, कल इसको हम लोग घर सुरक्षित जाएंगे और आज यहीं रुकेंगे। रुकने के लिए हम लोगों के लिए तो जगह कहीं भी है, टेंट रखे हुए हैं। ये देखिए साइकिल यहाँ पर खड़ी हुई है, यहाँ पर फोर्स वगैरह भी लगी हुई है, ये सिक्योरिटी गार्ड भी लगे हुए हैं बहुत सारे। तो रुकेंगे आज यहीं, इसके बाद हम कल निकलेंगे, आसम साइड जाएंगे और बीके पता नहीं जाता है नहीं, हमको तो कहीं निकलना है क्योंकि 25 तक यहाँ दर्शन नहीं हो पाएंगे, सभी लॉक हो जाएगा 19 से 24 तक, क्योंकि मोदी जी आ रहे हैं। मोदी जी पूरे चलूँगा, ये नहीं जाएगा ये शायद हम बोल रहा है, ये लोग तो जाएंगे हमारे साथ क्योंकि इनको अभी बहुत सारी चीज़ें नई है, नए ट्रेवल कर रहे हैं तो इनको बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए। कहाँ से हुआ? तो जय श्री राम, जय श्री राम। तो हम आज यहीं रुकेंगे जो कर सेवा पूरा आश्रम है, इसके बाद जो अपडेट रहेगी वीडियो हम देते रहेंगे, कंटिन्यू बने रहिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। अयोध्या मंदिर का देखे और अभी चेक कर सकते रात हो गया और यहाँ पे हम बारह चल रहे हैं, तो यहीं पे भी हम लोग खा रहे हैं प्रभु के दरबार में और इसके बाद यहाँ एक आश्रम है बगल में, तो वहीं पर भी हम लोग काम करेंगे। ये चेक करो भैया लोग सब लोग यहीं पर हैं। चलिए फिर मिलते हैं, जय श्री राम, जय महादेव, जय श्री राम।
दोस्तों आप देख सकते हैं अभी हम अमाबा राम जो मंदिर है जहां त्रेता युग में रघुकुल का देवालय था यहां पर हम लोग पहुंच गए हैं। देख सकते हैं ये पूरा साइकिल यहां पार्किंग है इस साइड, और वो जो दिख रहा है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जो दिख रहा है वहां से हम जाएंगे ऐसे, और इधर से राइट साइड में जाएंगे दर्शन होगी वहाँ मोबाइल ले रहे वगैरह नहीं लौटे यहाँ आप है वो लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं के लिए जा रहे हैं। मैं अकेला यहीं पर सभी सामान देख रहा हूं। ये देखिए पूरे यहां से पूरा पार्किंग लगा हुआ है, पूरा पार्किंग है, और दर्शन करके ऐसे कुछ राम पथ गमन भी है। देखिए राम पथ जो लिखा हुआ है वहां पर, मैं थोड़ा जूमिंग करके दिखाता हूं आपको, क्योंकि ये देखिए राम पथ गमन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र श्री राम चिकित्सालय यहाँ पर अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन भी यहाँ पर है। तो मैं थोड़ा सा जूमिंग करके आपको दिखा दिया हूँ, और काफ़ी बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पर पहुँच कर, कुछ अलग ही फीलिंग हो रहा है हमें, और क्या ही बताएं आपको तो कैसा लग रहा है, बट हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। और आप कमेंट में ज़रूर लिखकर भेजिए जय श्री राम, क्योंकि अमावा जो है निःशुल्क यहाँ राम रसोई भी मिलता है। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, इतना भीड़ है कि अब क्या ही बताएँ। सभी लोग दर्शन करने के जा रहे हैं, और हम यहीं पर साइकिल देख रहे हैं अभी भी, और दर्शन वो लोग करके आएंगे, इसके बाद हम दर्शन करने के लिए जाएंगे। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें, क्योंकि अंदर मोबाइल कैमरा किसी भी अलाउड नहीं है, वहां आप सिर्फ सिंगल कपड़े लेकर जा सकते हैं, और सारी चीज़ें सभी यहाँ लाकर में जमा करना पड़ता है। तो जय श्री राम।